हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। ठंडा मौसम है, सर्दियों का मौसम है, मज़े का टाइम होता है। ये बर्फ़बारी देखने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं और इंतज़ार करते हैं इस मौसम का। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू लेकर आई हूँ, वो ड्योरिफिक मैट फ्लूड है, डियोर के हैं ये फ्लूड। और आप इसको देखेंगे तो आपको कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छी छोटी सी बॉटल में लिप ग्लॉसेस टाइप का ये लिक्विड है जो कि लिप्स के लिए बनाया गया है। मैं आपको पहले इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ, पैकिंग किस टाइप की है ये चेक कर सकते हैं। पैकिंग अगर आप बात करें कि ये किधर की बनी हुई है, तो ये फ्रांस की बनी हुई है, फ्रांस की प्रोडक्ट है। और इधर बारकोड भी दिया गया है, आप उससे पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। 10 ml की बॉटल में ये है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डिफरेंट, इन्होंने 4 इसमें लिप ग्लॉसेस दिए हैं जो कि हम 1 by 1 देखते हैं। ये 4 1 by 1 मैं आपको इनके स्वेचेस भी करके दिखाऊंगी, ये आप चेक कर सकते हैं। ड्यूरोफिट मैट फ्लूड, इसके ऊपर फ्रांस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और लिप एंड चीक वेलवेट कलर। ये आप लिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चीक्स के लिए भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 10 ml की ये है, इसमें बारकोड भी गिवन है, आप इससे चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है। और सारी आप इसकी सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, सब कुछ इसके ऊपर गिवन है, आपने कैसे लगाना है, क्या करना है, सारी आप पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ रिजल्ट। फर्स्ट आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो है पिंक। यहाँ पर इसकी कंपनी का लगा भी हुआ है। छोटी सी बॉटल है, बहुत अच्छी सिंपल सी, आप चाहें तो इसको पर्स में भी रख सकते हैं। मैं लगाती हूँ यहाँ अपने हाथ पे, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे लगा हुआ, बहुत ही अच्छा शाइनी लुक दे रहा है। और पिंक कलर है इसका, पिंक कलर में है ये, अच्छा लग रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर की तरफ। हर कलर डिफरेंट है और इसके ऊपर उन्होंने लिखा है वेलवेट कलर है, ये चीक्स और लिप दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। टू इन वन है इसका, ये एक फ़ायदा है कि जैसे हम लोग टिंट यूज़ करते हैं वैसा ही ये है। और ये थोड़ा सा पर्पलिश सा शेड दे रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पर्पलिश सा शेड है, बहुत क्यूट से कलर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों आप फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं और लिप्स पर भी।
क्योंकि चीक और लिप दोनों का उन्होंने बताया, तो इट मींस ये टेंट टाइप का है सॉरी फ्लूइड, जो कि आप लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चीक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत नेचुरल लुक देता है ये, वो नहीं जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सा जिस तरह बंदा टमाटर बना होता है, कुछ लोगों ने इस तरह से लगाया हुआ होता है कि लिटरली उनका पता चल रहा होता है कि उन्होंने ऊपर कोई बहुत ही चीज़ लगाई हुई है एक्स्ट्रा। यह है रेड कलर, रेड भी बहुत प्यारा क्यूट सा कलर है, और ये आप चेक कर सकते हैं रेड कलर में अब लगाने जा रही हूँ। तो ये है रेड कलर, क्यूट सा रेड कलर है, बहुत ज़्यादा वो चुपता हुआ कलर नहीं है, और देखने में भी अच्छा लग गया। आई होप आप लोगों को कलर्स अच्छे लगेंगे इसके, क्योंकि आप चाहे पार्टी पर जा रहे हों, चाहे आप किसी कैजुअल वेयर में अगर करना चाह रहे हैं अपना मेकअप, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये पिंक कलर है, ये पिंक का दूसरा शेड है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। माय गॉड, ये तो बहुत ही क्यूट सा कलर है पिंक के शेड में। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल जिस तरह लगता है बिल्कुल वैसा लग रहा है। सो ये है पिंक शेड, बेबी पिंक कलर टाइप का ये है, इसको जब आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे ये कलर मिक्स एंड मैच हो जाएंगे, और जब आप चीक्स पर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जिस तरह ओरिजिनल आपका कलर है, ना कि आपने चीक्स पर कुछ लगाया हुआ है। बहुत प्यारा क्यूट से कलर है, चारों कलर बहुत प्यारे हैं अपनी अपनी जगह पर और डिफरेंट हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये आप कैजुअल वेयर में यूज़ कर सकते हैं, ये भी कैजुअल वेयर में यूज़ कर सकते हैं, ये दो पार्टी मेकअप या कहीं शादी पर जाना हो या कोई फंक्शन इस टाइप का हो जिसमें आप ये यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इनको देखा, मुझे अच्छे लगे और बहुत इजी टू यूज़ हैं, और आप अपने बैग में, आप अपने पर्स में डाल सकते हैं, बहुत स्मॉल सी बॉटल है, बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं, तो मसला नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए आपका बैग या आपके बैग में स्पेस ना हो। सो इन कलर्स के साथ आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इनको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उधर से ये बाय भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है, मैंने आपको यूज़ करके बता दिया। ग्लॉसी हैं, वेलवेटी टाइप के, तो अच्छे लग रहे हैं, नॉट बैड। इंसान कभी ग्लॉसी की साइड पर भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा मैट पर जाएं, हर दफ़ा मैट यूज़ करें, हर मेकअप के साथ आप मैट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट लुक के साथ डिफरेंट मेकअप करना चाहिए। और आजकल पहले मैट का बहुत ज़्यादा फैशन था, लेकिन आजकल मेकअप में अगर देखा जाए तो ग्लॉसी लुक भी बहुत ज़्यादा इन हो गई है। सो आप इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिव्यू कैसा लगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो रिव्यू कैसा लगा, और मज़ीद आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाकर आपके सामने पेश होंगी और आपको उसका रिव्यू दूँगी। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में किसी और रिव्यू और प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने आप को, अपने घर वालों को बहुत सेफ रखिए, बाहर जाएं तो मास्क का यूज़ लाजमी करें, और अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र लाजमी रखें, क्योंकि आपको पता है कोविड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है दिन ब दिन, और हमें इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा बंदा इफ़ेक्टेड है और कौन सा नहीं।
सो अल्लाह हाफिज़, मुझे याद रखिएगा।